Why did he run? Go on! Why did he run? बीते दिन एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगा है। ये मामला 1 जून देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके का है जहां 3 लोगों के साथ रवीना पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं एक्ट्रेस को वहां के लोकल लोगों ने भी घेरा और वहीं कुछ लोगों ने उन पर हमला भी किया। तो चलिए जानते हैं वायरल वीडियो के पीछे का सच आखिर क्या है। दरअसल रविवार सुबह से रवीना टंडन का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप ये है कि रवीना के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और रिजवी कॉलेज के पास कार्टर रोड पर रवीना की गाड़ी ने 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं रवीना पर नशे में होने का भी आरोप लगाया गया है। घटना वाली जगह पर उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। एक्ट्रेस के अलावा उनके ड्राइवर पर भी पीड़ितों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। रवीना टंडन के घर के बाहर के वायरल सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शनिवार 1 जून की रात करीब 9 बजे महिलाओं का एक समूह उनके घर के बाहर इकट्ठा हुआ था। इलाके के सीसीटीवी फुटेज से ये साबित होता है कि शाम को रवीना टंडन के घर के बाहर महिलाओं का एक समूह आया था और उन्होंने एक्ट्रेस के ड्राइवर पर चिल्लाना और उनसे लड़ना शुरू कर दिया था, जबकि रवीना अपने ड्राइवर को बचाने के लिए बीच बचाव में आई थी। रवीना नशे में नहीं थी। ड्राइवर द्वारा इन महिलाओं पर हमला करने की खबरें भी झूठी और मनगढ़ंत है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ खार पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन पर नशे में होने, तेज गाड़ी चलाने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। वहीं रवीना टंडन ने एक्स पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में झूठी शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पाया गया कि कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी। पुलिस उपायुक्त डीसीपी राजतिलक रोशन ने कहा कि ये शिकायत झूठी है। शिकायतकर्ता ने कथित वीडियो में झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। हमने सोसाइटी के पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि अभिनेत्री का ड्राइवर सड़क से सोसाइटी में कार को पीछे कर रहा था, जब यह परिवार उसी लेन को पार कर रहा था। परिवार ने कार रोकी और ड्राइवर से कहा कि उसे पीछे करने से पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि कार के पीछे कोई और है तो नहीं, और उनके बीच बहसबाजी शुरू हो गई। जब बहस गर्मा गई तो रवीना अपने ड्राइवर को देखने के लिए मौके पर आई और उसे भीड़ से बचाने की कोशिश की। दोनों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत वापस ले ली। वहीं डीसीपी राजतिलक रोशन ने आगे कहा, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी है और ना ही अभिनेत्री नशे की हालत में थी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।